इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर शिवा पुरुषोत्तम साठे। आपका बदमाश बेटा। बेटा, मैं ये दिन देखने के लिए कब से तरस रहा था। मिस्टर साठे जी, आपको मालूम नहीं, जब आपके सामने एक अफसर खड़ा हो तो आपके सर पर टोपी होनी चाहिए। साठे, सपना देख रहे थे? नहीं नहीं साहब, नहीं। हाँ साहब, मैं सपने में देख रहा था कि शिवा एक इंस्पेक्टर बन गया है। सुबह सवेरे के सपने तो सच्चे होते हैं ना साहब? अरे शिवा इंस्पेक्टर नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा, बड़ा बहादुर है। भैया उठो, भैया बाबा आ रहे हैं। भैया उठो ना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। उठो भैया। मेरा बस चले तो इन पुलिस वालों को 24 घंटे ड्यूटी पर रखूंगा। मैं शासन करता हूँ, कहना 1 घंटे से कर रहा हूँ, समझी ना? अरे गधे, शीर शासन करते वक्त मुंह बंद रखते हैं, बोला नहीं करते। आप सुबह कितने बजे उठे थे? कितने बजे उठा था मैं? 7। पाँच। झूठ बोल रहा है बदमाश, कुंभकर्ण की औलाद। अरे, 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 तुम्हारा पुलिस इंस्पेक्टर सुबह 3 बजे तक तो पढ़ता रहा। और तुम ये चाहते हो ये 5 बजे जाग भी जाए? क्यों, कोई खिलौना है जो चाबी दे दे और चल पड़े? इसे पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनाना था तो कानून क्यों पढ़वा रहे हो? मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा वकील बने, इंस्पेक्टर बनने से तो कई अच्छा है ना? अरे मूर्ख, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कानून जानना भी बहुत जरूरी है। तू देखना, मेरा बेटा सारी पुलिस फोर्स में एकदम निराला होगा, अव्वल नंबर का। मेरी तो एक ही तमन्ना है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए और मैं रिटायर होने से पहले इसे सैल्यूट कर सकूं। हाँ। कहाँ? अरे हाँ, अगले महीने उसके जनेऊ की रस्म भी है। ये देख, इंटरव्यू के लिए तेरे गधे बेटे की फोटो लाया। कितना प्यारा लगता है, अभी भी बच्चा लगता है। चलवा। बाबा आपने बुलाया। सुलभा, मैं तो समझा था कि तुम दोनों वसंत की जनेऊ की रस्म के बाद 5-7 दिन में चले जाओगे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि जमाई राजा की नौकरी तो छूट चुकी है। बाबा नौकरी जाने का गम नहीं है, पर उनके मालिक ने इन पर पुलिस केस बना दिया। आपकी वहां के इंस्पेक्टर के साथ दोस्ती है, आप अगर सिफारिश कर दें तो। वाह, मारा मारी वो करे और सिफारिश मैं करूं? ये तो मैं अपने बेटे के लिए भी नहीं करूंगा। उसे चाहिए कि मालिक से जाकर माफी मांगे। मैं उसको मालिक ही नहीं मानता तो माफी किससे मांगू? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी के नीचे काम नहीं किया, मैं भी नहीं कर सकता। जमाई राजा जी। हाँ जी। मैंने सुना था कि आप 2-3 बार मैट्रिक के इम्तिहान के लिए बैठे थे, आखिर पास हुए कि नहीं? नहीं, क्यों? नहीं नहीं, यहाँ के कलेक्टर की नौकरी खाली थी है? तो मैंने सोचा कि अगर आप मैट्रिक पास हुए होते तो मैं आपकी सिफारिश करता, वहां तो आपको किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ता। मैट्रिक फेल नहीं चलेगा? मैट्रिक फेल तो सिर्फ मेरा दामाद ही बन सकता है, सो तुम हो। हेलो, अंदर आओ शिवा। चलो शिवा, चलो। शिवा कैसे आए? जनेऊ की रस्म के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। माँ ने ये लिस्ट दी है। ये रहा। और एक मिनट, ये तुम्हारे जेब खर्च के लिए। मुझे नहीं चाहिए। अरे रखे रखो, चलता हूँ। अरे रखे रखो, जरा देखो तो सही इंस्पेक्टर की कैप में कैसे लगते हो। अरे अरे रखो ना, इंस्पेक्टर साहब नहीं देखेंगे। मैं देख रहा हूं। किसने कहा तुमसे मेरी कैप पहनने को? साहब मैंने इसे कहा था। तुम देखना चाहते थे कि शिवा इंस्पेक्टर की कैप में कैसा लगता है? जी हाँ।
बदमाशों की धुलाई करना भी सीख लो। जी जाओ। ये लो। मैं स्टेशन जाऊं? ओ, आप लोग जानते हैं ये कहां जा रहे हैं? अपनी होने वाली बीवी और ससुर को स्टेशन पे रिसीव करने के लिए। इतनी फुर्ती मैंने इनमें पहले कभी नहीं देखी थी। अब हम मैं चलता जाओ 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 जाओ। भाई, रुक जाओ। बहुत अमीर लोग हैं, हमसे कहीं बहुत बड़े। खुद चलकर आए मुझसे मेरे बेटे का रिश्ता मांगने के लिए। मुझे हाँ कहनी पड़ी। प्रेम विवाह? हाँ, जानते हो वो लड़की इसके प्यार में कैसे पड़ी? वो एक बहादुर लड़के से शादी करना चाहती थी और इसकी बहादुरी देखकर मर मिटी। मेरा बेटा शिवा बहुत बहादुर है। अबे ओ मनीष भाई, हरीश भाई, सोडा वाटर बोतल ओपनर वाला, ए शांति दूत, महादेव। अरे सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला, ला क्यों रहे हो? बहरे नहीं हैं, क्या बात है? भाई मेरा ब्लेड कहाँ गया? अभी मैंने उसे चाय पीने के बाद बाहर भागते हुए देखा है। देखो, अपने बदबूदार जोक्स अपने पास रखो। तुम्हारे माँ बाप समझते हैं कि तुम यहाँ लॉ पढ़ने आए हो, और तुम क्या कर रहे हो? ब्लेड से लेकर साबुन, तेल, कपड़ों की चोरी। देखो भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं गरीब बाप का गरीब बेटा हूँ। मुझे पढ़ने दो और आप खुद भी पढ़ो। तुम अपने बाप की कमाई और अपनी जवानी का सत्यानाश कर रहे हो। और हजरत आप क्या कमाल कर रहे हैं? हम अपनी जवानी और वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल हम एक करोड़पति लड़की पटाने की फिक्र में। मेरा नाम हरीश भाई, मनीष भाई, सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला है। मुझे मालूम है मैं काफी खूबसूरत हूँ और लोगों का भी मेरे बारे में यही सोचना है। इसी वजह से अगर आप अपना हाथ मेरे हाथ पे दे दें, क्या ख्याल है आपका? पापा, आज आपको क्या हो गया है? बेटी, आदमी जब बूढ़ा हो जाए ना, तो उसे ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। कल तक तो आप जवान थे, एक ही रात में बूढ़े कैसे हो गए? जब बेटी जवान हो जाती है ना, तो बाप बूढ़ा हो ही जाता है। देखते देखते तो कैसे जवान हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मुझे तेरे लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। मेरी माँ होती तो मेरी पसंद पूछती। बेटी, तेरी क्या पसंद है? लड़का शरीफ और खूबसूरत तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे उसमें चाहिए वो है बहादुरी। 20 आदमियों को अकेला पीट सके, 21 मंजिल की बिल्डिंग से छलांग लगा सके, जलती हुई आग में कूद जाए। और पगली, तू किसी सर्कस के जोकर से शादी करेगी? ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता। यू डोंट वरी पापा, मिलेगा और आपसे भी मिलवा दूंगी। मैंने तुम्हें जमानत पे छुड़वा तो लिया है, लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। जज तुम्हारी जगह उसकी बात पे विश्वास करेगा। हैरेसमेंट के जुर्म में तुम तीनों 5 से 6 साल तक जेल जा सकते हो। वकील साहब, कोई तरीका है बचने का? क्या तुम उस लड़की के हाथ का लिखा हुआ प्रेम पत्र ला सकते हो, जिसमें उसने तुमको मिलने को बुलाया हो? कोशिश कर सकते हैं। मेम साहब। बोल बसंती। मुझे एक चिट्ठी लिखवानी है। किसे? उन्हें। उन्हें कौन?
समझ गई, अपने पति को? मेरी अभी शादी नहीं हुई मेम साहब। तो प्रेमी को? अभी आधा प्रेमी है। मतलब? मैं उन्हें प्रेम करती हूँ, वो मुझे प्रेम करते हैं या नहीं पता नहीं। मेहरबानी कर दीजिए ना, मुझे लिखना नहीं आता मेम साहब। अच्छा बोल। ये लॉयर बनने आए हैं या चोर बनने हैं? मेरी चीज नहीं छोड़ते। लगता मुझे अपनी सारी चीजें बैंक में रखनी पड़ेगी। क्रेजी क्रेजी। मेरे प्यारे, आज तुम्हें देखा, आज ही प्यार हुआ, आज पहला प्रेम पत्र लिख रही हूं। मैं बहुत बेचैन हूं, जानना चाहती हूं तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अगर करते हो तो चिट्ठी का जवाब दो शुक्रवार से पहले। मैं हर सुबह बस स्टॉप पर इंतजार करूंगी, शुक्रवार तक, सिर्फ तुम्हारी। ओह गॉड, आज शुक्रवार है, आखिरी दिन। वो इतने दिनों से मेरी राह देख रही हो और मैं जवाब नहीं दे पाया। देता भी कैसे, इन उल्लू के पत्थों ने मेरी किताब जो चोरी कर ली थी, फौरन जवाब देना पड़ेगा। अरे भाई वो किताब कहाँ है? अरे वो किताब कहाँ है यार? कौन सी किताब? और वो किताब जिसमें मैंने चिट्ठी रखी थी। शिवा आके अपनी चीजें ले गया था। शायद वो किताब भी चले गई उसके साथ। अरे यार चलो भागो। तुम्हारा अपना शिवा। मेरा खत वापस दो। जवाब, तुम इस चिट्ठी का जवाब नहीं लिख सकते हो। भाई ये मेरा जाती मामला है। भाई ये हमारा भी जाती मामला है। कैसे कैसे कैसे? अरे बहन बहन, अरे मैं अपनी बहन के नाम किसी को लव लेटर नहीं लिखने दूंगा। तुम्हारा मतलब है जिसे मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ वो तुम्हारी बहन है? ऑफ कोर्स वो मेरी बहन है। तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई बहन है। अरे यार मेरी 10 बहनें हैं, इसका ये मतलब थोड़े कि मैं हर बहन के बारे में तुमको बताता। फिर अगर इस शहर में तुम्हारी बहनें होती तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो मिलने आती यहाँ। अंकल, मेरे अंकल की बहन है। ओ यू मीन योर आंटी? यस, मतलब मेरे अंकल की बेटी है, लड़की है, माय कजन सिस्टर। फर्स्ट कजन है। सोडा, यस, डोंट मेक अ फूल ऑफ मी। ओके ओके, भारतीय संविधान मुझे पूरा अधिकार देता है कि मैं जिसे चाहूं उसे चिट्ठी लिखूं, चाहे वो तुम्हारी बहन हो या नहीं। ओके सच्ची बात तो यह है कि उसने ये चिट्ठी मुझे लिखी। शर्म आ रही है, अपनी बहन को रोमांटिक चिट्ठी लिखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा खानदान है तुम्हारा? वो सोडा की बहन नहीं है, मेरी बहन है। वो इसको चिट्ठी लिखती है और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले वो सोडा की बहन, फिर आंटी बनी, फिर कजन बनी, अब तुम्हारी बहन बनी, अब वो तुम्हारी माँ भी बनी, तो जाकर चिट्ठी देकर आऊंगा। देखो देखो, वो किसी की आंटी हो, बहन हो, कुछ भी हो, लेकिन हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे। मुझे तुम्हारे इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं चिट्ठी देकर आऊंगा। हट क्या यार, अरे यार पकड़ो। आगे बढ़कर गोली मार दूंगा। मेरी मेरी चिट्ठी वापस दे दे। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? यार मजाक मत करो, मेरी चिट्ठी वापस दे दो। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। मेरी मेरी चिट्ठी यार है। मोटू रुक जा, मेरा ही या कम आउट कम आउट।
छोड़ना मुझे, आधा तुम ले लेना। आधा क्या करूंगा, मैं तो पूरा लूंगा। बड़ी मुसीबत से लेकर भागा हूँ। अगर मुसीबत तो मैंने भी झेली। विद्या यहाँ काम करती है? हाँ, लेकिन वो आज ऑफिस में नहीं आई, प्रोग्राम देने गई है। कहाँ? Thank you.
छुपाओ प्यार तुम्हें भी है, कह दो नहीं पर दिल में कहीं इकरार तुम्हें भी है। थिएटर में एक बम रखा हुआ है। जैसे ही शिवा इंस्पेक्टर बन जाएगा हम इनकी शादी कर देंगे। वैसे आप कब तक उम्मीद रखते हैं कि वो इंस्पेक्टर बन जाएगा? जी वो कल ही बंबई जा रहा है इंटरव्यू के लिए। बंबई जा रहा है? तो वे साथ ही जाएंगे और हमारे साथ ही रहेगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। फिलहाल उसे किसी लॉज में ही ठहरने दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप रत्ती भर भी हमसे सहायता स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे जरा जल्द से जल्द आप एक शादी की तारीख मुकर्रर कर ले तो अच्छा रहेगा। हमारी जरा जल्द से जल्द मामला हो जाए। चलिए चलिए, अब बाकी बातें खाने के बाद में। खाना 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 ठीक रहेगा। रहने दीजिए इसे। अच्छा बेटा, बेटा जी अच्छा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूँ, संभालना बेटा।
करना है। आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। पहले अपना हाथ निकाल, गाड़ी मैंने पार्क की है, तुझसे जो हो सके कर ले। ए मिस्टर, पुलिस मैन को क्यों मारा तुमने? अबे जा, तू कौन है पूछने वाला? लाओ चाबी, लाओ इधर चाबी, लाओ इधर गाड़ी की। पुलिस स्टेशन आकर गाड़ी ले लेना। साहब आपने ठीक नहीं किया, ये एमएलए का बेटा है। अरे एमएलए का बेटा हो या किसी का भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। साठे साहब, उस एमएलए ने आपसे बदला ले ही लिया। क्या कर लेगा वो एमएलए? ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड ही करवाएगा ना मुझे? नहीं, ट्रांसफर का ऑर्डर है। ऑर्डर सीधा मिनिस्ट्री से आया है, स्पेशल मैसेंजर लेके आया है। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। साठे, मुझे एक तरकीब सूझी है। तुम कल की तारीख में मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ले लो। इस तरह तुम्हें 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, तब तक एमएलए का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। नहीं साहब, रहने दीजिए उसे गरम। आप मुझे ये बताइए, मेरा पोस्टिंग कहाँ का हुआ? काला चौक पुलिस स्टेशन, मुंबई। 24 घंटे पड़े हैं मेरे पास ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, 6 ही घंटे में गाड़ी बंबई पहुंच जाएगी। मैंने कौन सा जिंदगी भर का ठेका ले रखा है इसी स्टेशन पर काम करने का, और फिर बच्चों के इम्तिहान भी हो चुके हैं, मेरे लिए सब पुलिस स्टेशन एक बराबर है। लेकिन काला चौक से खराब पुलिस स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मेरी भी पहले पोस्टिंग वहीं हुई थी, 2 महीने में भाग खड़ा हुआ, नहीं तो रिजाइन कर दिया होता। साहब, जो दूसरे पुलिस वाले वहां काम करते हैं वो भी तो हमारे जैसे ही हैं, और फिर अगर मैं वहां मारा गया तो मेरी आत्मा को यह तसल्ली तो होगी कि ड्यूटी पर मारा गया हूं। लाइए ऑर्डर्स मुझे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। आपको बिल्ला ने इलेक्शन में खड़े होने से मना किया था, आपको सा खौफ नहीं? हजारों लाखों लोगों की जिद है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, एक आदमी की बात मानूं या लाखों की। चल बेटा चल। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूं। मैं इसे लॉकअप में इसलिए रख रहा हूं कि इस बार बिल्ला जिलानी के खिलाफ हाथ आए हुए गवाह को मैं खोना नहीं चाहता। कल कोर्ट जाने तक इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखो, तब तक चाबी मेरे पास रहेगी। Thank you.
टैक्सी टैक्सी। हेलो, तुझे नाव का है? हेलो, बाजार में किसी का खून हो रहा है और खबरें अपना नाम बताने से इनकार कर रहा है चिंपट साला। करता होगा बेचारा। अरे मर गया है कि जिंदा है? मर गया होता तो अच्छा होता। काश हर रोज दो खून हो जाते, सारे गुंडे आपस में लड़ मरते और हमें आराम हो जाता। मर गया है या जिंदा है मैंने इसलिए पूछा कि अगर मर गया है तो लाश फौरन अस्पताल पहुंचा दी जाए, वरना 7 बजे के बाद थाने में लाश की चौकीदारी करना मुझसे नहीं होगा। तुमसे होगा भी नहीं बंधु, तुम तो 7 बजे के बाद बिंदास घर जाके सो जाते हो। चल चल चाय बोल चल। ये बेवकूफ चंदू अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आया? चंदू, ए चंदू, ए येड़ा, ओ साहेब किती वेळा सांगितलं तुला, चाय कुठे आहे रे? ए घेऊन ये। आता साहेब 2 मिनिटांमध्ये, लवकर घेऊन ये ना। बोलो साहेब। नमस्ते। नमस्ते। मैं पुरुषोत्तम काशीनाथ साठे हूँ, ये मेरे ट्रांसफर ऑर्डर है, मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है। अच्छा अच्छा, ओ तो तुम्हें सजा देकर यहाँ भेजा। हाँ हाँ, ये मिस्टर पुरुषोत्तम साठे। हाँ साठे, ड्यूटी ज्वाइन करने आए। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अस्पताल में, कल रात किसी ने अंधेरे में उन पर वार कर दिया। ओह, बहुत बुरा हुआ। इसमें बुरा क्या है, आदमी को ज्यादा होशियारी भी नहीं छाड़नी चाहिए। अगर मेडल जीतने का इतना ही शौक हो तो हाथ जेब कतरों पर डालना चाहिए, बड़े आदमियों पर नहीं। हुजूर यहाँ इंसान नहीं हैवान होते हैं। अरे सावंत, हाँ जरा एंट्री करना। हाँ। अरे ओ चला चला, उठा 7 बजे उठा। आप सोच रहे होंगे ये फोटो कहाँ गई? मर गया क्या? अरे नहीं नहीं, जिंदा है। आपने बिल्ला जिलानी का नाम नहीं सुना? क्या उसी की फोटो लगी हुई थी? तो फोटो किसने निकाली? वो खुद आकर निकाल गया। तो फिर दूसरी क्यों नहीं लगाई? कहां से लगाते, जिस स्टूडियो में वो फोटो खींची गई वो स्टूडियो जला दिया गया और फोटोग्राफर भी भाग गया, अब कोई फोटो बची नहीं। बड़े किस्से हैं इस बिल्ला जिलानी के, अब आप आ गए हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे। आइए ज्वाइनिंग रिपोर्ट साइन कर दीजिए। ये तो बहुत बुरा हुआ सर, लेकिन सर आपने देखा आप पर हमला किसने किया था? बिल्ला जिलानी ने। मुझे अफसोस है कि एक बार फिर वो मेरे हाथों से छूट गया, मुझे जरा होशियार रहना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। साहेब मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए बाल बच्चों को घर से लाने के लिए। ठीक है जाओ। जी नमस्ते। ये क्या हो रहा है? ससुर जी का ट्रांसफर हुआ है, बंबई जा रहे हैं। ऐसे कैसे? ऐसा ही होता है, एक बार भर्ती हो जाओ सब पता चल जाएगा। हम नौकरी पेशा लोगों की किस्मत में एक पक्का ठिकाना कहाँ। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ तो दासी हूँ। अरे जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है ना इसलिए। भगवान अब तो खुश हो जा, तेरा इंस्पेक्टर बेटा तेरे सामने खड़ा है। भगवान के नाम पर धन्यवाद, भगवान के नाम पर। ये मकान मेरे दादाजी का है जी। मैं इसे कभी किराए पे नहीं देता, आपको पता है ना, बंबई में मकान किराए पे देना मकान गंवाने के बराबर है।
वैसे इसका सौदा हो चुका है, यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है। तब तक आप आराम से रह सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, तब तक मैं दूसरा इंतजाम कर लूंगा। अरे नहीं, फिलहाल आप बेफिक्र रहिएगा जी। अच्छा फिर आज तो आपकी छुट्टी है, मैं काम पर चलता हूँ। अच्छा। शाम को मिलता हूँ। अच्छा अच्छा जी। उल्लू के पट्टे, वो दोनों मेरी बहनें हैं, बेवकूफ आगे पढ़ दूंगा। सॉरी सॉरी यार, सॉरी। तू बॉम्बे कब आया? वो बाबा कहीं ट्रांसफर हुआ है तो इनका घर हम लोगों ने किराए पर लिया। तेरा रंग बदला नहीं अब तक। क्या करूं यार, आदत ही कुछ ऐसी है। लेकिन तूने मिलते झगड़ा शुरू कर दिया, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें तो कर यार। बॉम्बे में सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ? यहीं पर कार या स्कूटर फालतू में खड़ा हुआ, देखो उसके आस पास नहीं खड़े नहीं होना। क्यों? बिल्ला के आदमी हफ्ता बढ़ाए चले जा रहे हैं, हम लोग क्या खाएंगे, भूखो मरेंगे। भूख तो आप, जब हमने गुरु शेखू बाबा का बिल्ला बीच सड़क पे मर्डर किया था तब तुम लोग कोई आया था गवाही देने के लिए? अरे वो खाता था तो तुम लोगों को खाने भी देता था। अरे अबे तूने गवाही क्यों नहीं दी, तू तो उत्साही आदमी है ना। अरे तभी तो, अपने आदमी की गवाही कभी सरकार मानती है? अरे यूं क्यों नहीं कहता भड़वे, कि तुम सब उस हरामी बिल्ले से डरते हो। अरे जा जा, डरता कौन है, तू चार दिन का बात है। हाँ बिल्ला का अतुड़ी चीर कर सर काट करके हम सड़क पे फेंक देंगे। काली पांडे अब्राहम है, काली पांडे। अरे भाग के कहाँ जा रहा है कुत्ते, ये तो बता कि तुम बिल्ला को कैसे मारेगा। ए कुतिया अपनी जबान बंद रख। अरे जा जा ना मर, अपनी माँ के पास जा। हराम जादी तू है। आने देना, क्यों इस वैश्या के मुंह लगे से, चल। हराम जादो, अरे मुंह में हड्डी नहीं से, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलते रहो। बिल्ला जलाने के खिलाफ एक लफ्ज, एक भी लफ्ज किसी ने कहा तो उसे काट कर मीट की दुकान में टांग दूंगा। मेरा नाम याद रखना, तरलोका से तरलोका। चलो चलो जाओ, इस हफ्ते का पैसा लेके आओ, जाओ। अरे कहाँ चल दिए, तेरे भौंकने वाले कुत्ते बसते हैं यहाँ मर्द साले। अरे इनके लिए तो चूड़ियां खरीदनी पड़ेगी, चूड़ियां। आजकल क्या मारामारी होती है यहाँ जो पहले हुआ करती थी। बहुत दिन हो गए इस इलाके में कोई ढंग की फाइट ही नहीं हुई, साला कुछ होता ही नहीं है। पिछली बार ऐसी फाइट हुई थी बिजली रामू और बिल्ला के बीच में कि बैगर पैसे वसूल हो गए थे। ये रामू भी कोई गुंडा था क्या? नहीं रे, पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। फाइट डाकखाने के पिछवाड़े शुरू हुई थी और पूरे एक घंटे के बाद बाजार के बीचों बीच आकर खत्म हुई। अच्छा? रामू को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाना पड़ा था। ए माइंड हेड, बच तो गया लेकिन बेचारा वापस लौट कर नहीं आया। हाँ देखने वाली चीज है, साला फौलादा फौलाद। सुबह जब बुकर खाने में बकरे कटते हैं ना तो ताजा लहू के एक दो लीटर पी जाता है, उसके बाद 10 मील की दौड़ लगाता है। उसे जहाँ भी काली बिल्ली दिखाई दे जाए ना उसे काट के खा जाता है। राक्षस है साला, राक्षस। बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उसके खिलाफ जाओ तो खत्म कर देता है, वैसे कुछ भी नहीं कहता। अभी देखो ना, एक आदमी उसका बुरा करके कलकत्ता भाग गया। हाँ। तो उसने वहाँ उसका खून करवा दिया। मीन इतने लंबे हाथ हैं उसके। बस कर यार बस कर, ये सब सुनकर ही मेरे को चक्कर आ गए। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, तो दे दे राम के नाम पर। दे दे अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, ईसा के नाम पर, जिसके नाम पर भी देना हो दे दे। हाँ जी हाँ जी, ओके सर। क्या किया इसने? ये सड़क पर तीन पत्ती खेल रहा था बदमाश, जुआ खेलता है, बंद कर दो साले को। चल अंदर चल। अरे पवन जी आपने सुना का है? काला चौक का रमेश चंद्र और रूलिंग पार्टी के दो और उम्मीदवार बिना मुकाबला इलेक्शन।
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्ला जलानी फिर अपने इरादों में कामयाब हुआ। भाई मान गए उसको, जो कहता है वो कर दिखा। लेकिन बिल्ला जलानी का इलेक्शन से क्या लेना देना? वो यूं कि मात्रे रमेश के खिलाफ खड़ा हो रहा था। बिल्ला ने मना भी किया लेकिन मात्रे माना नहीं। नतीजा ये कि मात्रे गोली से उड़ा दिया गया। अब किसी की हिम्मत ही नहीं कि रमेश के सामने खड़ा हो, क्योंकि सब जानते हैं कि रमेश के पीछे बिल्ला का हाथ है। अब जब पार्टी पावर में आ जाएगी तो बिल्ला के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये बिल्ला करता क्या है, स्मगलिंग? अरे नहीं, वो ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करता। आधे शहर की शराब की भट्टियां उसकी है, अब अंदाजा लगा लो उसकी आमदनी। पर मैंने तो सुना है कि वो यहां से हफ्ता कट्ठा करता है। अगर इतना ही अमीर है तो हफ्ता कट्ठा करने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ इसलिए कि लोगों के दिलों में उसकी दहशत बनी रहे। मुझे तो खुशी है कि उसके हफ्ते से हमें आधा हिस्सा मिलता है। अब आप आए हैं, आपको भी हिस्सा मिल जाए। मुझे जो चाहिए मेरे पास है। जानता हूं, पगार की चंद ठिकरियां हाथ लगी है ना? तो भाई और क्या चाहिए? देखिए, आप मेरी बात मानिए, बिल्ला जो करता है उसे देखिए मत, अपनी आंखें बंद रखिए, खुश रहेंगे आप। बिल्ला जो चाहता है वही कीजिए, वरना एक सुबह जागेंगे आप और पता लगेगा कि सर धड़ से अलग है। राजू देन कहूं सब दिन साधा, कहूं जान बन के ही अपराधा। शिवा माँ, राम की आंखों में पानी क्यों भराया? माँ तो सुन रही है ना? हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन राम की आंखों में पानी क्यों भराया? उनकी आंख में तिनका गिरा था। हा? देख माँ, अगर बिना सवाल किए तो पूरा सुनती है तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। अच्छा बाबा, पढ़ पढ़ तू पढ़। राम राज्य कहे दश। अरे अब ये राम राज्य कहाँ रहा? तब राक्षस पैदा होता था तो उसका सर्वनाश करने के लिए अवतार भी आता था। अब तो कलयुग है, अब सिर्फ बिल्ला जलानी जैसे राक्षस पैदा होते हैं। क्यों? हाँ, आज बाजार में मैंने एक आदमी देखा, उसके हाथ में गजबर लंबा चाकू जिसे वो खेल रहा था। एक बार और आदमी ढेर, वो मुझसे 10 रुपया भी ले गया। माँ हाँ, क्या ऐसे लोग पुलिस वालों को नजर नहीं आते? मरने से तो सब डरते हैं। बिल्ला ने दिन दहाड़े बीच बाजार में खून किया है। तो केस नहीं बना? हाँ केस तो बना, लेकिन बिल्ला के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर आप केस कैसे जीतेंगे? कुछ भी करके, जितनी भी जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बिल्ला को देखना चाहता हूँ सचमुच। क्यों? नहीं ऐसे देखना चाहता हूँ। हाँ, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा ये बिल्ला है कि बिल्ली? बिल्ला। मैंने पूछा है। मेरे लिए गर्म पानी रख दिया नहाने के लिए? जी रखती हूँ। अरे भाई शिवा, इस घर में खाना कितने बजे मिलेगा यार? बन रहा है, बन रहा है। भूल गया तेरा बाप मर गया था? तय कौन होता ताऊ के होते हुए अवतार लेने वाला? हाथ हटाओ। मैं कहता हूं मेरी वर्दी से अपने हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगा तो क्या करेगा है? तुझे तो मैं देखता हूँ। चल चल अंदर। तू
इसके घर वालों को खबर कर दो, इसकी हालत बहुत खराब है। हल्का सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर सैनी, कैसी हालत है डॉक्टर? एक तो ठीक है लेकिन दूसरे की हालत नाजुक है, शायद ही बच पाया। हर आदमी चाहता है कि वो मर जाए। जी मैं भी, लेकिन हम डॉक्टर्स मरीज के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते कि वो मर जाए। हाँ सच कह रहे हैं आप, मगर मैं आपको जनता की राय बता रहा हूँ। लोग समझ रहे हैं कि वो मर चुका है, खुशियां मना रहे हैं सब। अगर बिल्ला लौट आया तो तुम सबको शमशान घाट पहुंचा देगा। अरे शिवा दोस्त है हमारा, और अगर बिल्ला लौटे भी तो शिवा के नाम से थर थर कांपेगा। बकवास मत करो,
सारा शहर तुम्हारा कहा हर लफ्ज बिल्ला के सामने जाकर कह देगा और वो तुम्हें मुर्गे की तरह हलाल कर देगा, समझे तुम लोग? लेकिन अंकल, जब शिवा हमारे साथ है तो हमें कहेगा कम है। शिवा तुम्हारे साथ, जैसे उसे पता चला कि उसने बिल्ला के ऊपर हाथ उठाया, गायब हो गया वो। अरे उसके माँ बाप तक को पता नहीं कहाँ छुपा है। और तुम अपने आप को पुलिस वाला कहते हो? अरे अपनी वर्दी उतारो और ये मेरी साड़ी पहन लो और जाकर कोठे पर बैठ जाओ। अगर बिल्ला अस्पताल में मर गया तो कानून की नजर में मेरा बेटा कातिल कहलाएगा। आजी कत्ल करना तो आजकल बड़ी मामूली बात है। बिल्ला ने 18 कत्ल किए हैं, उसको एक की भी सजा नहीं हुई। हम लोग कोई अच्छा वकील कर लेंगे, इसमें है क्या? इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। सर, शिवा अभी तक घर नहीं लौटा, जैसे ही आएगा मैं आपके हवाले कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो बेगुनाह है। बकवास मत करो लक्ष्मी। साठे इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों पर कान मत धरिए। बकवास नहीं, माँ अपने बेटे की रक्षा कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे कानून की रक्षा करनी है। साठे, पहले हम इंसान हैं फिर पुलिस वाले। माँ जी, आप घबराइए मत, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। साठे एक मिनट इधर आओ। साठे, अक्सर हम पुलिस वालों को ऐसे काम करने पर मजबूर किया जाता है जो कि हम नहीं करना चाहते, जैसे कि जो कुछ हमने नहीं देखा है हमें कहना पड़ता है देखा, और जो हमने देखा है कहना पड़ता है कि नहीं देखा। ऐसे ही कभी कभार हम अपने लिए कुछ कर लें तो इसमें बुरा क्या है? आप क्या कह रहे हैं? हम कहते इल्जाम शिवा पर नहीं है, मुल्जिम कोई दूसरा आदमी है जिसको बिल्ला से पुराना हिसाब चुकाना था। नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं। मत करो मंजूर, मैंने तो ऐसा कर दिया। FIR के मुताबिक मौका वारदात पर शिवा मौजूद ही नहीं था। हाँ, एक और बात, मैं जानता हूं कि शिवा कहां है। घटना के ठीक बाद वो मेरे पास आया था और उसने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब वो मेरी पनाह में है। साहब, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अभी तुम उससे नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे देखना है कि केस क्या रंग लाता है। बिल्ला भी मरा नहीं, अगर उसने पहचान लिया कि मुजरिम शिवा है तो हम मुश्किल में आ जाएंगे, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। इस केस का दारोमदार मरने वाले के आखिरी बयान पर है। चलो ड्राइवर। मुझे कुछ याद नहीं। अगर उसे तुम्हारे सामने लाया जाए तो पहचान लोगे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। हम जानते हैं वो कौन। मैंने तुमसे नहीं पूछा। हाँ, तो तुम्हें उसका चेहरा तक याद नहीं? हाँ, ठीक है, चलो। उस्ताद, तुमने ऐसा क्यों बोला? जब मैं बाहर जाऊं तो वो अंदर नहीं होना चाहिए, वो मेरा शिकार है। लंबा कितना है? ऊंच इतना। अरे इधर आ, इधर आ। कितनी टक्कर मारी? उसके पेट में घुसा मारा। घोड़ा है ये काला, दिखने में राम है या रावण? एकदम राम। हाय राम, ना हुई मैं वहां, नहीं तो मैं भी देखती। हरामी राजू ने पैसे के लिए बुलाया था, ना पैसे मिले ना लड़ाई देखने मिली।
क्या कहें कितने हैं। अरे देखो देखो, अरे देखो कौन आया, अरे शिवा दादा आ रहे हैं। बेटा तुमने तो कमाल कर दिखाया, बिल्ला ने तो हमारा जीना मुहाल कर रखा था। और सुनो सुनो, अगर मुकदमा लड़ने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे कहो। अरे चाय तो पी कर जाओ मेरी दुकान से, अरे मेरे पास खुल जाएंगे भाई। अरे तुम लोग को दिखता नहीं है शिवा दादा आ रहे? नमस्कार। नमस्ते। अरे प्रणाम सर। नमस्ते बेटा। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आओ, एक ही छटके में उसकी हड्डियों का सूरमा बना देंगे। अरे है कोई बिल्ला का भड़वा? अरे बस करो बस, मत करो मेरा पीछा। क्यों ललका रहे उन लोगों को? ये सब क्या है? कौन लगते हो तुम मेरा? कोई भी नहीं। अरे तो मजाक कर रहा था भाई, अपना दोस्त है ना। बेटा तुमने कभी चीटी भी नहीं मारी, फिर अचानक ये सब कुछ कैसे कर दिया तूने? मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को कोई मारे और मैं देखता रहूं? अगर मेरे होते बाबा को कुछ हो जाता तो तू क्या नहीं पूछती कि तू कैसा बेटा है? क्या मेरी बहन नहीं पूछती कि तू कैसा भाई है? तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मैं वहां पुलिस की ड्यूटी कर रहा था, और अगर ड्यूटी करते हुए मैं मारा भी जाता तो मेरा नसीब है। मैं भी एक बेटे की ड्यूटी निभा रहा था। बेटे की ड्यूटी निभा रहा था? तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? बाबा मैंने जो किया वो हर बेटा करता। यूं कहो कि हर बेवकूफ बेटा वही करता। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सारे परिवार का भविष्य तुमसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं मर जाऊं तो मैं शांति से मरूंगा कि तुम हो सबकी देखभाल करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब तो टूट ही जाएंगे। शिवा तुम हमारी उम्मीद हो, हमारा सपना हो, हमारा भविष्य हो। अगर तुम्हारा नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड पर आ गया तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। हम तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर बनते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। क्या तुम ये सब भूल गए? कुछ भूला नहीं बाबा, कुछ भूला नहीं। सब याद था मुझे, लेकिन उस पल मैं क्या करता? मत रो बेटा, जो होना था हो गया, ये सब होने का दोष है। जानते हैं जीजा जी, अब बिल्ला यहाँ हॉस्पिटल से आएगा ही नहीं। साले को मालूम हो गया है अब यहाँ शिवा का राज चलता है, और साथ में उसके काली भी है। साले का हिम्मत पड़ेगा यहाँ आने का? काली, तू जानता है पिछली 5 पीढ़ियों से हमारे खानदान में एक से एक बढ़कर गुंडा हुआ है। अच्छा? अरे ये क्या चीज है, इसके लिए तो अकेला मैं ही काफी हूँ। साले की दोनों टांगे तोड़ के एक थैले में डाल के उसके हाथ में थमा दूंगा, जा पप्पू घर जा। कमाल करते हैं जीजा जी। अब जब उसका दोनों टांग तोड़ करके थैला में डाल दीजिएगा तो जाएगा कैसे? हाँ तो टांगे नहीं तोड़ते, सर फोड़ देंगे। मगर यार ये बिल्ला है कि बिल्ली? बिल बिल। और साला तुमको दिखता नहीं है यहाँ शिवा के जीजा जी बैठे हैं, और साथ में उसका दोस्त काली भी है। तुम बिल्ला क्या गया? माफ करना साहब, मैंने जानता नहीं। कोई बात नहीं, चलता है। शुक्र है कि हालात ठीक होते जा रहे हैं। नौकरी मिलते मैं ये शहर छोड़ दूंगा। शिवा मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खो बैठूंगी। फजूल की बातें क्यों कर रही है? सच, मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। तुम मर गए हो और मैं अकेली रह गई हूँ। ऐसा कहीं हो सकता? अरे मैंने तुम्हें अपने दिल में कैद कर रखा है और उस दिल की चाबी उस समंदर में फेंक दी है। अगर मैं मर भी गया तो मेरे दिल में ही रहोगी ना? पागल।
चल है जो बादल है, ये मेरा दिल तो पागल है, कहे बिजली मेरे पैर की पायल है। अटल ऐसे है जैसे वो पर्वत है। पुलिस वालों की बुरी आदत है, थाने में दायां पैर आगे रखो तो कहते हैं तुम्हारे बाप का घर है, और बायां रखो तो कहते हैं बुरा शगुन है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम वकील बनना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि यही वकालत शुरू कर दो। पढ़ो पढ़ो। शाहजहां ने कहा, कुत्ता तुम हिलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में दम है। कहां से आवारा गर्दी करके आ रहे हो? अब क्यों बिगड़ रहे बेटे? क्या किया है इसने? देखो शिवा, मैं और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। दो चार दिन आराम से घर पे रहो, और अगर कहीं बाहर जाना हो तो अपने जीजे को या किसी दोस्त को लेके बाहर जाओ, समझे? समझाओ इसे। क्या हुआ? आज भी इंटरव्यू का कॉल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बस दोस्त की एक चिट्ठी आई। अब क्या प्रोग्राम है? घर जाऊंगा और क्या। अभी से घर जाकर क्या करोगे? चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलना होगा? किसी बार में? बार में नहीं, अगर बाबा को पता चल गया तो नाराज होंगे वो। अरे यार, ये तुम्हारा छोटा सा कस्बा नहीं है, ये बॉम्बे है। बॉम्बे यहाँ जरा स्मार्ट बनकर रहो, हमारी तरह लल्लू की तरह नहीं। अरे यार, स्मार्ट बनकर रहना चाहिए, चल मजा करेंगे। आजा।
Thank you.
लो। टपोरी, मेरे माल पे हाथ फिराता है हा? और नहीं तो क्या तेरे पे हाथ फिराऊं? कहां थे रात भर? अस्पताल में। उससे पहले दारू के अड्डे पे गए थे? गया तो था। वहां शराब पी? नहीं। दंगा किया? नहीं। नहीं। क्या क्या कर रहे हो? क्यों मारे बेचारे को? इसने दोस्तों के साथ शराब पी है, दंगा किया है। सावंत का बेटा अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। ये सच है बेटा? नहीं माँ, मैं बताता हूँ सच क्या है माँ। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, सारी बस्ती जानती है। और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने क्या क्या कारनामे किए हैं, तो मारे फखर के मेरी छाती फूल गई। लोग राय का पहाड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ तुम्हारा बेटा बोल रहा है, अब इसका कोई भरोसा नहीं रहा, मवाली बन गया है कि मैं सच कहता था, मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब समझ में आए, अब समझ में आया। लोगों के साथ साथ आपके दिल में भी अब मेरी तस्वीर बदलती जा रही है। नमस्कार। कहां से आ रहे हो? भाई का रिजल्ट देखने गया था। पास हुआ? जी हाँ। सुना है तुमने इस इलाके में दंगा फसाद करना शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हें मर्डर केस से बचाया, ये मेरी भूल थी। तुम दूसरा बिल्ला बनना चले हो है? क्या कह रहे सर? मैंने क्या किया? तुमने बार में लफड़ा नहीं किया? नहीं सर। झूठ मत बोलो शिवा, झूठ मत बोलो। मैंने सुना है तुम्हारे आदमी धमकाते फिरते और काली तुम्हारा बॉडी गार्ड है। क्या तुमने अपने जीजा जी और काली को हफ्ता इकट्ठा करने पर लगा रखा है? शट अप। लेकिन सर। अरे बंद करो ये नाटक शिवा, बंद करो। मैंने जिंदगी में बहुत नाटक देखे हैं। मैंने तुम्हें बचाया था निर्दोष समझकर, और इसलिए कि मैं तुम्हारे पिता की इज्जत करता हूं। ए, इस तरह घूर के क्या देख रहा है? एक बात याद रखना, मैं इस इलाके में दूसरा बिल्ला उठने नहीं दूंगा। कलुआ, जमाई दादा के लिए चाले क्या रहे? काली दादा। अरे लावा ना, गिनता क्या रहे? अरे सरदारी, तुम हफ्ता दिया कि नहीं रे? कल दे दूंगा। अरे क्या कल दे दूंगा, कल दे दूंगा? तुम क्या हम लोग को भिखारी समझता है? तुम्हारे बाप दादा का शरत खत्म नहीं हुआ अभी, तुम क्या समझता है? पर शिवा दादा आएंगे हफ्ता लगे। अरे जमाई बाबू आए, जमाई बाबू। हाँ जमाई दादा, माफ कर देना। ठीक है ठीक है, चल चल हट। अरे जाते जाते सुन ले, कल नहीं दिया तो तुम्हारा गर्दन उतार लेंगे। हाँ चलिए दादा, चलो। जयराम जी के भैया, जयराम जी के भैया, जयराम। नमस्ते शिवा दादा। जमाई दादा आए थे, हफ्ता लेके चले गए। कहाँ गए वो लोग? उस तरफ।
कहा जा रहा यार, मैं और मेरे नाम पर पैसा उठा दे तो आराम कर दे, हम बाहर उठा दे, मेरे नाम पर पैसा उठा दे, मेरे नाम पर मुझे उल्टा बनाएगा, मेरा नाम खराब करेगा, मेरा नाम खराब करेगा, मुझे उल्टा बनाएगा, मुझे मेरे नाम पर पैसा लेगा। राम दादा खबरदार, खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने मेरे नाम पर एक पैसा भी दिया तो मैं गुंडा नहीं हूं, मैं बदमाश नहीं हूं, मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे हराम के पैसे, नहीं चाहिए मुझे हराम के पैसे। अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, रखिए अपनी बेटी अपने पास। अरे हमारे खानदान में ऐसा गुंडा कभी पैदा नहीं हुआ, उसने मुझ पर हाथ उठाया, देखिए इधर मारा, इधर मारा, यह मारा, बहुत हो गया, जी जा हूं मैं उसका। लेकिन उसने मारा किस लिए आपको? हफ्ता लेता है लोगों, मैंने मना किया, इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर देर ना करो तो रात होने से पहले अपने बाप के घर पहुंच जाओगे। अगले हफ्ते तक लौट आऊंगा। कोई जरूरत नहीं, दो हफ्ते बाद आऊंगा। दफा हो जाओ। कोई बात नहीं। बाबा कुछ तो सच लगता है उनकी बातों से, उनके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। शिवा ऐसा नहीं कर सकता। पर भी नहीं मिलेगा, पछताओगे सब। नहीं बेच, बाबा इसके कपड़ों पर भी कीचड़ लगा हुआ है, आज किसका खून करके आए हो? किसी का भी नहीं, सिर्फ मारा है, मेरे नाम से हफ्ता इकट्ठा कर रहा था वो। हजार जुर्म होंगे जहां में, तुम कौन होते हो पीटने वाले? पहले अपने आप को सुधार लो। मेरे पति को क्यों पीटा? फिर से पीटूंगा अगर उसने यही हरकत की तो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम सचमुच मवाली बनते जा रहे हो, पहले हम सबका खून कर दो फिर जो करना है करो। अंदर कहां जा रहे हो? गुंडों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, मेरे और भी बच्चे हैं, उनकी मान मर्यादा की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, कल बेटी की शादी करनी है। तुम पहले यह बताओ कि तुम किस किस्म की जिंदगी बिताना चाहते हो, एक गुंडे की या अच्छे नागरिक की, उसके बाद ही इस घर में रह सकते हो। शिवा, मैं देख रहा हूं जिंदगी मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है, मैं जब भी कुछ करता हूं तो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, अगर ऐसा ही होता रहा तो न जाने मैं क्या बन जाऊंगा। बाबा को जो मुझसे उम्मीदें हैं मुझे डर है शायद मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा। मां, जब देखो शराब पीकर ऐरे गैरे नट्ठू खैरे के साथ झगड़ा करता फिरता है, मैं जीजा हूं उसका, मैंने उसको समझाया, साले साहब हमारे खानदान में ये शोभा नहीं देता, बस उसने मुझे यह मारा, मेरे पेट में लात जमा दी, मैं घर छोड़ के चला आया। उसका बाप उसे मना नहीं करता? बुढ़ा इसे बहादुरी समझता है। मैं समझता हूँ जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे कहां से मिलेगी नौकरी, वो तो पहले से ही इश्तिहारी मुजरिम है। मैं नहीं मानता। मत मानो, मैं तो बर्बाद हुआ उस खानदान में शादी करके, तुम्हें बर्बादी से बचाना चाहता हूँ, उस बिल्ली के बिल्ला के अस्पताल से आने तक रुक जाओ, फिर अपने दामाद की लाश अपनी आंखों से देखना। अब तुम लोग मानोगे मत, मेरा क्या? बेटी उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ नहीं है। दे दे दाता के नाम पे, दे दे बाबा, दे दे दाता के नाम पे, दे दे बाबा, दे दे दाता के नाम पे, दे दे बाबा। ऊंचा बोलना, अरे मुंह में फोड़े हो गए कहते रहे हैं, दिल लगा कर काय को नहीं भीख मांगते, चल कितने पैसे हुए? क्या मुसीबत है बाबा, जल्दी कर, कितना हुआ?
27 रुपए से क्या होगा? मेरे को रोज 50 रुपया मांगता है, 50 रुपया रोज नहीं देगा ना तो नौकरी से निकाल दूंगा गधा कहीं का। अरे मैंने तुम लोगों को इतना प्यार दिया इसी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये साला छाता दिया है 5 स्टार होटल का फैसिलिटी है, नहीं मिलेगा। चल मांग भी जोर से, तन मन धन लगा। ताता के नाम पे दे दे बाबा, और जोर से मांग, दे दे। दिल्ली तक आवाज पहुंचे, जाते जाते मेरा छाता तो दे दे। कौन है? जी वो बारिश। आइए अंदर आइए ना। मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया। मेरे पास छाता भी नहीं है आपको देने के लिए, थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाइए। आइए ना। घर तो मेरा छोटा है, आपको जहाँ ठीक लगे आप आराम कर लीजिए।
लक्ष्मी, लक्ष्मी। गुस्से में जो कुछ मैंने इससे कहा शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। इससे कहो कि भुला दे, दिल पर ना लगाए। तुमसे जाने के लिए तो कह दिया लेकिन रात भर परेशान रहे, तुमसे माफी मांगने की राह देख रहे थे। क्या बात कर रही हूं मां, बाबा और मुझसे माफी मांगे ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। तू जाके कपड़े बदल, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूं। दे दे बाबा दे दे दाता के नाम पे दे दे बाबा। कितना फटाफट दे दे बाबा। कितना है? 150 रुपया। ये क्या है? गाड़ी हाँ। ये पेट्रोल से चलती है, पेशाब से नहीं चलती है, समझे हाँ। जब मैं स्कूटर और साइकिल पर आता था जितना तुम देते थे उससे काम नहीं चलेगा। दे दे देने से कोई भीख नहीं मिल जाती है। भीख मांगना एक आर्ट है, हुनर है, कला है। हिंदू दिखे तो उससे बोलो राम के नाम पे दे दे, मुसलमान दिखे अल्लाह के नाम पे दे दे, ईसाई दिखे क्रिश्चियन जीसस के नाम पे दे दे, और तुम लोगों को अगर लेना नहीं आता तो अपने आके नेताओं से सीखो, वो तुमसे अच्छी भीख मांगकर दिखा सकते हैं। और मैं तुम लोगों को एक बार लास्ट वार्निंग देता हूँ, मुझे भगवान खुदा गॉड के नाम पर दोबारा भिखारी मत बनाओ। दैट्स ऑल। जय हिंद जय हिंद। अरे कहाँ हो लक्ष्मी? क्या हुआ? झूम झूम के नाचो आज, गावो खुशी के गीत हो, गावो खुशी के गीत। क्या बात है, बहुत नाच रहे हो। हमारा बेटा मेरिट लिस्ट में सेकंड आया है। भगवान तेरा लाख शुक्र है, कहीं से तो अच्छी खबर सुनने को मिली। 2 हफ्ते के बाद उसे ट्रेनिंग पे बुलाया है। ठीक तो होता जा रहा है। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कहाँ है उसे ये खुशखबरी मैं खुद सुनाना चाहता हूँ। कहाँ है वो? तो बस अभी आ ही रहा होगा, बहन के साथ टाइपिंग से जुट गया है फीस भरने। भैया जब तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे ना तब तुम्हारी पहली तनख्वाह से मुझे एक अच्छी सी साड़ी खरीद देना, ठीक है? मोटी मेरी पहली तनख्वाह मैं सीधे बाबा के हाथ में दूंगा, तुम्हें जो चाहिए उनसे ले लेना। ओके ओके तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। तुम नहीं आओगे? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मैं बाद में आऊंगा। बाबा ने तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने से मना किया है, मैं बोल दूंगी। तुम घर जाओ।
जिंदा रहना चाहता है ना तो मेरा खून कर दे फिर जा। अगर जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं लौट कर आऊंगा और तेरा खून पी जाऊंगा, समझा? किसी का फोन है तो फोन करके पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। घबराने की कोई बात नहीं, जैसे ही हम वहां पहुंचे शिवा ने सरेंडर कर दिया। एक गुंडे की हालत नाजुक है, दूसरे की टांग काटनी पड़ेगी। ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। उन्होंने कितने खून किए, उनकी मौत भी ऐसी होनी चाहिए। साथे साहब, फिक्र मत कीजिए, हमने शिवा को हाथ तक नहीं लगाया, और लगाता भी कैसे, आखिर वो हमारा ही बेटा है। सब ठीक हो जाएगा। तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। हो सके तो मार डालो इसे, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो। आपसे मिलने को आया है। कौन है? वो भल्ला साहब। नमस्ते भल्ला साहब।
नमस्ते भाई साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हमारे रिश्तेदार जिद कर रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी जरा जल्दी कर दूं। मैं भी यही सोच रहा था कर्नल साहब, शिवा सिलेक्ट हो चुका है, अब उसकी शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी का खिंचाव खत्म हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। मैं आपके बेटे की शादी की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैंने अब तक जो कुछ भी सुना था मैंने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन कल जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ था, और किसी गुंडे का सुसर कहलाने पर मुझे कोई फक्र नहीं। आज की तारीख में आपका बेटा इस शहर का सबसे बड़ा दादा है, और ये दादा लोग बड़ी शान की जिंदगी जीते हैं, और जब मरते हैं ना तो ये बाजारी कुत्तों की मौत मरते हैं। अब आप ही बताइए, कोई बाप अपनी बेटी को विधवा होते देख सकता है क्या? आप सही कह रहे हैं, मैं उसे आपकी बेटी का पति कैसे बना सकता हूं जब मैं उसे अपने बेटे के नाते ही खो बैठा हूं। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए, मैं आपके हालात को समझता हूं, लेकिन मेरा पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है। मैं समझता हूं भल्ला साहब, मेरी भी बेटियां हैं, मैं आपकी जगह होता तो शायद यही फैसला करता। मुझ पर एक एहसान कीजिए, मेरी बेटी की शादी में आपका बेटा कोई रुकावट पैदा ना करे, कोई गुंडागर्दी ना करे, प्लीज। आप फिक्र ना कीजिए, मैं वादा करता हूं कि शिवा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लक्ष्मी सोई नहीं? कैसे सोऊं? आंखें बंद करती हूं तो शिवा का चेहरा सामने आ जाता है। लक्ष्मी पूछो तो, मैं सोता क्यों नहीं? मैं जानती हूं जो मुझ पर बीत रही है वही तुम पर भी बीत रही। नहीं, सोता हूं तो मुझे सपने आते हैं। एक जमाना था कि सपनों में मैं शिवा को पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखा करता था, और आज सपनों में मैं उसे मुजरिम देखता हूं। ऐसा मत कहो, शिवा का बुरा वक्त चल रहा है, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूं वो जरूर हमारे दिन फिरेगा। मुझे माफ करना। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबा, आपने जो कहा मैं अच्छी तरह समझता हूं। खाओ। भल्ला साहब आए थे, कह रहे थे कि अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं, उन्हें डर था कि तुम बीच में कोई रुकावट ना डालो। मैंने उन्हें तसल्ली दे दी है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शांति नाम की औरत को जानते हो? जी सर। क्या वास्ता है उससे? कुछ नहीं सर, सिर्फ पहचान। सिर्फ पहचान? फिर तुम्हारे लिए वो जामीन क्यों लेकर आई? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं,
बदनाम लोग चोर उचक्के भड़वों रांडों के चहीते होते हैं। अब तुमने भी ये मुकाम पा लिया, ऐश करो तुम भी। ऐसा क्यों करें सर, आप तो सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमानत पर छोड़ रहा हूं, साइन करो। एक बात बताना चाहूंगा, तुम्हारी जान खतरे में है। इस वक्त तुम्हारा घर जाना मुनासिब नहीं। घर जाओगे तो तुम्हारे परिवार पर भी हमला होगा। घर वालों को क्यों मुसीबत में डालते हो? कोई और ठिकाना हो तो वहां चले जाओ। ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते। अच्छा सुनो सुनो, सिद्धि विनायक वाला जो है ना, वो बहुत तंदुरुस्त दिखने लगा है। हाँ, उसको शिफ्ट करो यार कहीं और। हाँ, तो पिचका हुआ चेहरा नजर आना चाहिए, दया दिखनी चाहिए, तभी तो भीख मिलेगी। हाँ अच्छा सुनो गौर से, ये जो बीए पास जितने भिखारी है ना, उनको क्राफर्ड मार्केट पे शिफ्ट करो, और वहां के पीएचडी भिखारी हैं उनको गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर लाओ। टूरिस्ट अट्रैक्शन है, थोड़ा एजुकेटेड भिखारी चाहिए ना। हाँ राइट। बाबा, की चीजें क्यों फेंक रहे हो? बता दो, सरदार का नाम लिया तो इस घर में उसके नाम का जिक्र भी नहीं होगा। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया है कि शिवा है ही बुरा। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? अरे अगर उसे अपने किए का जरा भी पछतावा होता तो आता सीधा अपने घर चला गया, उस नीच औरत के पास। वो 2% की रंडी, अरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं उसे श्राप देता हूं कि वो नरक। खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे। अरे तुमने कल भी कुछ नहीं खाया। तुम कौन होती हो मुझे ये सवाल पूछने वाली? क्यों आई थी तुम पुलिस स्टेशन? क्यों मेरा नाम बदनाम करने पर तुले हो तुम लोग? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? यहां आकर तो मैंने अपने माँ बाप को भी ठेस पहुंचाई है। कल जब मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था तब तुमने ये सब नहीं सोचा? नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि तुम बाजारी औरत हो जो चंद सिक्कों में बिकती हो। हाँ, मैं बाजारी औरत हूँ, चंद सिक्कों के लिए बिकती हूँ, पेट की आग जो बुझानी है। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे पैसों के लिए नहीं बुलवाया, अपने साथ रात गुजारने के लिए नहीं बुलवाया, अपनी रक्षा के लिए नहीं बुलवाया। तो क्या इसलिए बुलाया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम क्या, तुम्हारी जगह जो भी बिल्ला की आंखों में आग डालने की हिम्मत करता मुझसे प्यार कर लेती। इस पसी में कोई नहीं कह सकता कि मैं गलत कर रही हूं। नहीं, किसी को कोई हक नहीं है, क्योंकि उस दिन किसी ने कुछ नहीं किया। सबके तब गूंगे, अंधे और बहरे हो गए थे जब मेरे परिवार को उनकी आंखों के सामने बिल्ला ने जिंदा जला दिया। मुझे जल्दी को एक बाजारी औरत बनाने की जिम्मेदारी है सब है। इन लोगों ने मुझे एक बाजारी औरत बना दी, एक महिषा बना दी। मैं मर जाना चाहती थी। मुझे ये सब पता नहीं था शांति। सारी बस्ती जानती है तुम्हारे सिवा। तुम सुनना चाहो तो कहो। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ, एक जमींदार के परिवार में। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी। मुझे प्रताप नाम के एक आदमी से प्यार हो गया था। मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं था, तो प्रताप और मैं वहां से भागकर यहां आ गए। उन्हें एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और वो जो भी कमाते उसमें हम खुश थे, मैं, प्रताप और हमारा बेटा। बैट माने बल्ला, सी ए टिकट, कैट माने बिल्ली, डी ओ जी डॉग, डॉग माने कुत्ता। सारा नाम प्रताप से जी। तू केजी टेक्सटाइल मिल काम करते है जी? अरे ओ मुन्ना, तू वहाँ का यूनियन लीडर से? जी। बिल्ला जलानी की तरफ से आया से, तुझे बुलाया से। बिल्ला कहाँ? रामू हजाम की दुकान पर।
सुना है तुमने फैक्ट्री में हड़ताल करवा रखी है, वापस ले लो। मजदूरों पर बहुत जुल्म हो रहा है इसलिए। मुझे बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। सब मजदूरों का कुछ तो ख्याल कीजिए, कुछ तो सोचिए। प्रताप, ये अदालत नहीं जो बहस करे से। भाई को बड़बड़ कर नफरत है। जैसे बोला वैसे करो। जो हो सो हो, मुझे ये मंजूर नहीं। मालिक 10% देने को मान गया है, जो देता है ले लेते हैं और हड़ताल तोड़ देते हैं। भीख मांग रहे हैं क्या? हमें अपना हक चाहिए और मालिक को वो देना पड़ेगा। लगता है आप लोग बिल्ला जलाने से डर गए हैं। अगर हमने मालिक के साथ ये समझौता कर लिया तो फिर मालिक हमेशा के लिए दस्तूर बना लेगा, पर बिल्ला जलाने जैसे लोगों के रहते हुए मजदूर की मांग कभी पूरी नहीं होगी। चलो बेटे, क्या कर रहे हो? नहीं पकड़े बिल्ला जलानी जा कहे से, एक बार कहे। क्या कहा? हड़ताल तोड़ दो। पर तन्ने नहीं माना। तुम्हें हमारे काम धंधे में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है। क्या हो रहा है ये सब? क्यों मार रहे हो इन्हें? शांति, शांति। मेरे मेरे बेटे को छोड़ दो। देखो तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है ना, तो तुम मुझसे बात करो। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? बचा लो इन्हें, ये राक्षस पागल है। भगवान के लिए कोई तो बचा लो इन्हें। अरे ये सब तो देख, मैंने इस बस्ती में इंसान नहीं, सबके सब जिंदा लाश की बस्ती है क्या? अरे कोई तो बचा। हम आओ तुम्हें कपिल का बैठ करने का मतलब हमारी जीत होगी। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? वो गुंडा, वो बिल्ला मेरे पति का खून कर रहा है, उन्हें बचा लीजिए। तुम अपनी शिकायत लिख के दे दो, हमें जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। किससे बातें कर रहे हो? गर्लफ्रेंड से? इसकी शिकायत लिख लो यार। नहीं नहीं नहीं, आज रो दिन बहुत होशियार कैप्टन है। अगर तब तक लोग उसे मार डालेंगे। भाई हम पुलिस वाले ऐसा नहीं कह सकते, हम तो देशभक्त हैं। प्लीज आप मेरे साथ चलेंगे तो खत्म हो जाएगा। तुमको कहा ना सब पुलिस वाले बाहर गए हैं, तो आप चलिए ना, मेरे घर वालों को बचा लीजिए ना। हम स्टेशन ड्यूटी पर हैं, हमारे लिए थाना छोड़कर बाहर जाना मना है।
अगर किसी ने भी इस कीड़े को एक बूंद पानी भी दिया तो मैं उसे यही जिंदा जला दूंगा। नहीं बेटा, पानी नहीं देना। तो मेरी बात मानो, तुम जाओ 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 बेटा, पानी नहीं देना। पापा पापा पानी,
की हम न समझे थे बात कितनी सी। शिवा इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए चुन लिया गया है, उसके वेरिफिकेशन के लिए चिट्ठी आई है। अब क्या करें सर, हमने तो उसके खिलाफ फौजदारी केस दर्ज कर दिया है। इतनी बड़ी भूल हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करते, जो हुआ हजारों के सामने हुआ। साठे को भेजो। यस सर। साठे जी, शिवा के चाल चलन की पुलिस वेरिफिकेशन की चिट्ठी आई है, क्या करें? सर, कायदे के अनुसार जो आपको करना चाहिए वही कीजिए। ठीक है, तुम जाओ। क्या मिलता है गुंडागर्दी करके? लोगों की बददुआएं? ये सब ठीक है जब तक सेहत है, लेकिन जब उम्र हो जाएगी तो क्या होगा, तकलीफें घेर लेगी। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ हमदर्दी करेगा, समझे? मैं सब समझ रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, आप ये जो छोटी सी नौकरी लेने को कह रहे हैं मैं करने तैयार हूं। सुन रहे हो आप, जब ये मान गए हैं तो आप भी मान जाओ ना। ठीक तो कह रही है, एक टांग तो है नहीं तुम्हारी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से पहाड़ जैसी जिंदगी, गुजारा कैसे होगा? हम तुम्हें कुछ पैसों का इंतजाम कर देते हैं, एक साइकिल रिपेयर शॉप खुलवा देते हैं, गुजारा हो जाएगा। देखो, शिवा को अगर सजा मिलेगी तो उसमें तुम्हारा क्या फायदा, बेहतरी इसी में कि तुम उसके खिलाफ जो केस किया है वापस ले लो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जो कहे से मैं करने को तैयार हूं। मुझे नहीं पहचाना? क्यों साहब, देखकर भी अनजान बन रहे हो? तुम समझते थे मैं मर जाऊंगा? नहीं साहब नहीं, मैं त्रिशंकु की तरह हूं, चाहे मेरे हाथ पैर चीर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, मैं फिर एक हो जाऊंगा, यही मेरी फितरत है। चलो, इसी बहाने कुछ दिन हॉस्पिटल में आराम करने का मौका तो मिला। वैसे 10 किलो वजन बढ़ गया है मेरा। अच्छा, एक छोकरा है ना जिसे तुम लोग कंधों पर उठाए उठाए घूमते हो, उसकी दोनों टांगे कटवाकर त्रिलोकी को भिजवा दूंगा और सर कटवाकर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर लटका दूंगा। बाकी बचा धड़ वो उसके बाप को भिजवा दूंगा क्रियाकर्म करने के लिए। अगर तुम समझते हो कि तुम बिल्ला के किए की सजा दे सकते हो तो करके देख लो। क्या बात है शांति? तुम यहां से चले जाओ। क्यों? बिल्ला अस्पताल से लौटा है, उसके आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शिवा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम यहां से चले जाओ। कहां जाऊं? कहीं भी। मैं कहीं भी गया वो मुझे ढूंढ निकालेगा, और फिर अगर आज मैं भागा तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। वो क्या कर लेगा, मुझे मार डालेगा ना? ऐसा मत कहो, मेरा अपना कोई नहीं है, अनजाने में तुम मेरे दिल में समा गए हो। इसे प्यार नहीं समझना, ये श्रद्धा है। दिल में जो जगह सिर्फ भगवान को दी जाती है वो मैंने तुम्हें दी है। अपने पति और बेटे को जलता देखकर हो गई थी, तुम्हें देखने के बाद अब दिल फिर धड़कने लगा है। शिवा, मेरी आंखों में एक और मौत देखने की ताब नहीं है। मैं जानती हूं तुम में हिम्मत है,
लेकिन बिल्ला में हिम्मत है, रुपए हैं, ताकत है, और वो जब किसी से दुश्मनी कर लेता है तो एक पागल कुत्ते की तरह बन जाता है जिसमें किसी शैतान की रूह समा गई हो। शिवा, हे शिवा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शिवा चले जाओ, चले जाओ। जरा रुकना, ये कुछ सिक्के हैं जो मेरे बेटे ने बचा कर रखे थे। मैं भूखी प्यासी रहती हूँ, फिर भी मैंने इन्हें नहीं छुआ। किसी नेक काम पर खर्च करना चाहती थी। तुम ये रख लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए। पटाखे किसने चलाए थे? कोई नहीं बचेगा, चुन चुन कर सबको मारूंगा। पहले तो मैं तुम्हारे नए दादा से निपटूंगा। किस किस ने मेरी मौत की दुआएं मांगी थी? भूत बनकर लौट आया हूं और पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गया हूं। शिवा दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाए, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने दिनों बाद मिला है, वो भी इस हालत में। मैंने शिवा दादा का नाम तो सुना था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो तू है। बिल्ला को हम लोग हफ्ता देते हैं, जानता है, उससे उलझने की क्या जरूरत थी बेवकूफ। मैंने सुना था तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तेरी बहुत ऊंची पहुंच है, इसलिए यहां आया। खैर चलता हूं। वेट वेट, डोंट फील बैड। तुझे मालूम है मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूं। मेरे पीछे 20,000 भिखारियों की एक लंबी फौज है। अगर वो मुझे मारेगा तो एक बहुत बड़ी कमाई से हाथ धो बैठेगा। इसलिए एक बात पक्की है, वो मेरा खून नहीं कर सकता। अब जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तो यही रहे, और मैं पता करता हूं कि हो क्या रहा है। तू जानती है शिवा कहां है? पूरी दुनिया में मैं ही जानती हूं कि शिवा कहां है, और मैं तुझे बताऊंगी नहीं। क्या कर लेगा? मार डालेगा, जला देगा। अरे और तू कर में क्या सकता है? ले चला 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 चला। अरे संभाल के जाना, जिस दिन वो आ गया ना वो तेरा आखिरी दिन होगा। जबान बंद कर कुतिया। क्यों क्यों, जला देगा? अरे हिजड़े, अरे देख देख देख, अरे देख देख हिजड़े, घासलेट लाई हूँ, घासलेट ले, जला दे मुझे ले। अरे रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, जाता का है, रुक जा, ले ले घासलेट डाल दी। चलते जला दे, अरे जला दे, देखता क्या है, मार डाल मुझे भी। माचिस माचिस, अरे चाचा चाचा माचिस देना, अरे माचिस तो माचिस, अरे माचिस क्या, ये ले जला दे। अरे मैं तुझे फटता हुआ देखना चाहती थी, अब मैं कैसे मर सकती हूँ? अरे बात के साथ से जो तेरा है ताला गीदार। अरे अरे तो कैसे लंबड़ी की तरह भाग के जा रहा है? अरे भाग जा भाग जा, शिवा आएगा तो मुंह तोड़ेगा, शिवा आएगा तो तोड़ेगा। हराम जादी अपनी हाथ में रहा। क्यों, क्या कर लेगा? हाँ मार डालेगा, कहते मैंने मारा था मेरे बच्चे को मारा था। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी शिवा कहाँ है। अरे देखो ये छक्का मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर मैं इसके मुंह पर थूकूं तो भी नहीं। बस ले चला, ले ले। अरे ये क्या जलाएगा मुझे, ये तो चूहा है, चूहा। जला, हिम्मत है, दम है। Thank you.
तेरा बेटा मैं नहीं जानती, छोड़। मैं जानता हूँ तू नहीं जानती। शिवा बड़ा फर्मा बरदार बेटा है, अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जरूर आया। तू हमारे साथ जाएगी, शिवा आएगा। चल, शिवा जरूर आएगा, खुशियों के बल चल कर आएगा। इंस्पेक्टर साहब नहीं है? नहीं तो? घर पे होंगे? जी नहीं। तो फिर कहां गए? हेडक्वार्टर से कोई अर्जेंट मैसेज था, वो पुणे चले गए हैं। मैं तो रात को ड्यूटी पर था, सुबह घर गया तो पता चला कि बिल्ला रात को आया था, उसने मेरी बीवी को पीटा। क्या? वो अस्पताल में है और मेरी बेटी को उठा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? सब इंस्पेक्टर साहब कहां हैं? उन्होंने तो सिक लीव ले ली है। अब क्या करूं? हमें कुछ करना है। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? सीनियर कांस्टेबल तो आप ही इंचार्ज हैं। अरे हाँ, मैं ही इंचार्ज हूं। लेकिन आप और मैं बिल्ला का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे कंट्रोल रूम से मदद मांगनी चाहिए। ये तो खराब है, आप वहां से फोन कीजिए। खराब है? मैं काला चौक पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, हेड कांस्टेबल साठे मेरी बेटी को बिल्ला उठाकर ले गया है। इंस्पेक्टर साहब पूरा गए हुए हैं और सब इंस्पेक्टर छुट्टी पर हैं। आप मेरी कुछ मदद कीजिए। मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? 5 दिन के लिए सारी पुलिस फोर्स बंदोबस्त पर लगाई गई है, क्योंकि 3 दिन के बाद मिनिस्टर की बेटी की शादी है और वहां बहुत सारी वीआईपीज को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुझे 7 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, बहुत सोची समझी साजिश है। अगर एक पुलिस वाले के साथ यह हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? आओ आओ। तुम्हारी बेटी यहां महफूज है, मुझे और तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने आज तक कभी किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी, लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। बिल्ला, मेरी बेटी लौटा दो। जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी तुमने उसे देखा था ना, बिना कपड़ों के? और अब जवान होने के बाद कभी उसे वैसे देखा है, बिना कपड़ों के? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा बेटा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम्हारा सारा परिवार तो पहले हॉस्पिटल पहुंच चुका है। थोड़ा बहुत जो तुम्हारे बेटे के बारे में पता चला है कि बहुत अच्छा बेटा है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। कल सुबह 8 बजे से पहले उसे मेरे सामने पेश करके हमेशा के लिए भूल जाओ। और अगर ना ला पाए तो मैं तुम्हारी बेटी के सारे कपड़े उतार कर उसे चौराहे पर बैठा दूंगा। शहर के लोगों के लिए तफरी होगी। बिल्ला, दबा हो जाओ यहां से। जब तुम्हें हकीकत पता चल ही गई है तो फिर भी मेरा इंतजार क्यों? मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा। लोगों ने मुझे हीरो बना दिया एक ऐसी बात के लिए जो मुझसे हुई नहीं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन लोगों ने मुझे मुजरिम बना दिया और जिंदगी मेरे हाथ से जाती रही। बेटिया, मेरे पास उम्मीद नहीं तो मैं तुम्हें उम्मीद कहां से दूं? मेरे पास प्यार नहीं तो तुम्हें प्यार कहां से दूं? मेरे पास जिंदगी नहीं तो तुम्हें जिंदगी कैसे दूं? मैं जानता हूं तुम्हें कितना दुख पहुंच रहा हूं,
लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, विद्या तुम्हें मुझे भूलना होगा, भूल जाओ मुझे। शिवा, शिवा, कल बिल्ला और उसके साथियों ने तेरे घर पर हमला कर दिया। तेरे बाबा घर पर नहीं थे, बाकी सब अस्पताल में। कहां जा रहा है वो? अपना गुस्सा मेरे परिवार पे निकाल रहा है, क्योंकि मैं उसे नहीं मिल रहा हूं। मैं वापस जा रहा हूं। मैं कुछ कर सकता हूं तेरे लिए? तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पैसे रख ले। मरने वाले के लिए पैसे की क्या जरूरत? मुझ पर एक एहसान करोगी? अगर मैं पापा को बिना देखे मर जाऊं तो उनसे ये जरूर कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। शिवा, मैं बाकी जीवन तुम्हें ना भी देखूं तो खुश रहूंगी कि तुम इस दुनिया में कहीं ना कहीं जिंदा तो हो। बिल्ला का गुस्सा खत्म हुआ भैया? मुझे देखेगा तो खत्म हो जाएगा। वसंत, मुझसे वादा करोगे? बोलो भैया। मैं जानता हूं तुम वकील बनना चाहते हो, तुम्हें यह भूलना होगा। कोशिश करो कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर बनो। बाबा का सपना था कि मैं एक इंस्पेक्टर बनूं, मगर वो सपना अधूरा रह गया। कोशिश करो कि उनकी इच्छा पूरी हो, वादा करो। हाँ भैया, फिर कब आओगे भैया? कह नहीं सकता आऊंगा या नहीं। मुझे मालूम था कि तुम यहां आओगे। कहां जा रहे हो? बिल्ला से मिलने। देखो बेटा, तुम मेरा खून हो। एक बाप होने के नाते मैं तुमसे कहता कि मत जाओ, लेकिन जो तुम करने जा रहे हो वही करने के लिए मैं तुमसे विनती करने वाला था। मैं आज तक अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, आज मौका मिला है। उस्ताद, वो आ गए।
Thank you.
मैंने मार डाला उसको, मैंने मार डाला उसको। शिवा, मैंने मार डाला। मेरी बात सुनो शिवा, शिवा आगे मत, आगे शिवा कुल्हाड़ी फेंक दो। शिवा मैं कह रहा हूँ कि कुल्हाड़ी फेंक दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और कुल्हाड़ी फेंक दो। आगे कह रहा हूँ कि कुल्हाड़ी फेंक दो। शिवा, शिवा मेरी बात सुनो, आगे मत। शिवा मेरी बात सुनो, कुल्हाड़ी फेंको। आगे मत आना, मैं कह रहा हूँ कुल्हाड़ी फेंको। शिवा मैं कह रहा हूँ कि कुल्हाड़ी फेंको। आगे मत करना, फेंक दो। शिवा फेंक दे कुल्हाड़ी, फेंक दे बेटा। बेटा मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरा बाबा तुझे कह रहा है बेटा। नहीं, दे कुल्हाड़ी, फेंक दे बेटा। नहीं नहीं बेटा, फेंक दे बेटा। ये कुल्हाड़ी किसने दी मेरे हाथों में? आपने बिल्ला को मारने के लिए क्यों कहा बाबा? क्योंकि आपसे अपने बेटे को मार खाते हुए तक बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या यही जज्बा मुझ में नहीं था जब मैंने अपने बाप को मार खाते हुए पीछे सड़क पर देखा था? इतनी से जुर्म को आपने मुजरिम का नाम दिया। मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता था। मेरे दोस्तों ने मुझे मुजरिम बनाया, मेरे परिवार ने मुझे मुजरिम बनाया, कानून ने बनाया, सब ने बनाया, समाज ने बनाया। मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता था, मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता था। अब तो मेरा यकीन करो बाबा, मेरा यकीन करो। मुझे कोई शिकायत नहीं कि तुम इंस्पेक्टर नहीं बन पाए। अगर आज तुम इंस्पेक्टर होते तो ये नहीं कर पाते जो तुमने कर दिखाया। मैं तो जिंदगी भर सपने देखता रहा कि एक दिन तुम इंस्पेक्टर का रुतबा हासिल करोगे और मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगा। लेकिन आज तुमने समाज के इस गोर को खत्म करके जो रुतबा हासिल किया है उसके लिए मैं तुम्हें हजार बार सैल्यूट करता हूं। शिवा पुरुषोत्तम साठे की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक शिवा पुलिस ऑफिसर बनने के काबिल नहीं है क्योंकि कानून की नजरों में वो एक मुजरिम है। हम न समझे थे